लॉकडाउन के दौरान दहशत गर्दी फैलाने वाले आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस की गिरफ्त में तान पकड़ कर उठक बैठक लगा रहे हैं। ये है वो दहशतगर्द जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों नाना खेड़ा स्थित बालाजी परिसर में जमकर उत्पात मचाया था और घरों को बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही यहां रहने वाले लोगों को धमकाया था। वहीं घर के बाहर खड़े एक ऑटो को पूरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस पर स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की थी। बाद में पुलिस ने तहकीकात कर इन सभी बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन सबका जुलूस निकाला। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप के मुताबिक की कल्याण जोशी की टीम ने शिकायत करने के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चैनल उज्जैन। बालाजी परिसर के चलो 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 गुंडागर्दी की गई थी और क्या नुकसान किया गया आपका? सर झगड़ा किसी और का था और लड़ाई किसी और की, मतलब हमने कभी किसी से तीन चार जने जो है हम इधर के कभी झगड़ा नहीं किया। अनजाने में इन्होंने भीड़ में आके और हमारे पे हमला किया, गाड़ी तोड़ दी, गेट तोड़ दिया था, गेट भी नया डलवाया, लेकिन हमने इनसे कभी नहीं बोला। झगड़ा कहीं कहीं और का था और इकट्ठा आए भीड़ की तरह, एक को भी हम नहीं देख पाए। कौन क्या हम इधर से 50 आज 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 कैसा लग रहा है जब आप न्याय मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इनसे ये है कि हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी तो रोजी रोटी से बिगाड़ कर दिया ना। क्या नाम है आपका जी? अजय माथुर। ठीक, कितने लोग थे? होगा कि कुछ घटनाएं हुई है नीलगंगा थाने में जिससे दहशत का माहौल हुआ है। बालाजी परिसर में जो कुछ लोगों ने ऑटो के साथ तोड़फोड़ की, लोगों के साथ तोड़फोड़ की, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया था, उन आरोपियों को पकड़ा गया है। उनमें 7 आरोपी हैं जिनके 2 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की गई है कल, और सतना भेजा गया है जो पूर्व से ही आरोपी हैं। एक के खिलाफ 6 अपराध हैं, दूसरे जो 6 अपराध हैं वो सचिन वो नाना है नानाखेड़ा थाने का, और यही बालाजी परिसर का रहवासी है राकेश, उसके विरुद्ध 4 अपराध हैं, तो उसका भी रासुका किया गया है। तो आज इसी तारतम्य में इन आरोपियों को यहाँ जामत तलाशी के लिए और बरामदगी और मौका तस्दीक के लिए घटना स्थल की कि ये यही थे या इन्होंने की नहीं की, तो उन लोगों ने कबूल भी किया कि हाँ वही लोग थे, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में जो रहवासी उनको ढंग से पहचान नहीं पाए थे, तो रहवासियों ने भी पहचाना है। उन लोगों ने भी तस्दीक की कि हाँ उनके द्वारा ही ऑटो के साथ तोड़फोड़ की गई है और यहाँ लोगों के साथ मारपीट की कर हंगामा मचाया गया। टोटल कितने आरोपी थे इसमें? जो अभी मुख्य आरोपी हैं तो मुख्य 7 आरोपी हैं, तो 7 के खिलाफ नामजद कार्रवाई है, बाकी इनके कुछ साथी हैं जो अभी जिनकी तस्दीक की जा रही है, पकड़ में आ जाएगा तो आपको बता दिया। पूर्व में अपराध है, पूर्व में जो 7 है, 7 में 3 के खिलाफ अपराध है, हरीश उसके खिलाफ 1 अपराध है, राकेश 4 अपराध है, और जो संदीप उर्फ नाना है उसके 6 अपराध है, तो 2 का रासुका हो चुका है।